हमारी राधिका माँ बनने वाली है। किसका फोन है देवकी जी? क्या हुआ बताइए ना, क्या हुआ जी? वो माँ जी का फोन है, वो कह रही है कि हमारी राधिका माँ बनने वाली है। हे प्रभु, ये तो अत्यंत प्रसन्नता का समाचार है देवकी जी। लाइए फोन हमें दीजिए। राधे राधे माँ जी। राधे राधे। ये शुभ समाचार सुनकर तो हमारी प्रसन्नता का कोई ठौर ही नहीं मिल रहा। माँ जी, ये तो आनंद उत्सव मनाने का समय आ गया है। इसीलिए तो मैंने फोन किया शास्त्री जी, कल आप सब लोग यहाँ आ जाइए। अवश्य माँ जी, अवश्य। आपने मेरे जीवन का सबसे सुखद समाचार दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ जी। और हाँ, अम्मा जी को जरूर ले आइएगा। हाँ हाँ जी, अवश्य। राधे राधे। हे प्रभु। अम्मा, हमने सब सुन लियो है। इमा कौनु खुशी की बात ना है लल्ला। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। रामचंद्र सुपुरुष का जीवन सुगुण निधान, शिक्षा प्रदवर्णन करूं मैं शिव स्वस्ति मान। भगवान ने तुम्हें रूप राधिका जैसा ही दिया है, अब गुण भी दे दे, तुम भी हीरा बन जाओगी। आओ बैठो, रामायण का पाठ सुनो। बैठो ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात मनुष्य को हर हाल में अपने दिए हुए वचन का पालन करना चाहिए, तभी समाज में उसका मान सम्मान और वैभव बढ़ता है। अब इसी के साथ रामायण का पाठ समाप्त। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय। खत्म हो गया, मैं चली सोने। इमरती बैठो ना। क्यों? देखो इमरती, अब सोने का वक्त नहीं रहा। शाम को जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अब तेरे की साला तू। चलो चल ना, आ रही हूं। क्या है इमरती? आज वृंदावन वाले बाबूजी, माँ, अम्मा और मथुरा वाले बाबूजी भी आने वाले हैं। अच्छा, तो आज तेरे घर में बुड्ढों की फौज लगने वाली है। इमरती, वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके साथ हमेशा सम्मान पूर्वक बर्ताव करना चाहिए, इसीलिए उन्हें ऐसा नहीं कहते हैं। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं पूजा का सामान लेकर आती हूँ, क्योंकि अभी जो रस्में शुरू होने वाली है ना उसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, यहीं बैठना, मैं भी आ रही हूँ। इमरती, इमरती उठो ना। क्या है, सोने देना। इमरती, ये फूलों की टोकरी है, यहाँ से फूल पिरोलो और साथ साथ में ये देखो कि आरती की थाल कैसे बनती है। ठीक है, ये लो। छोटी बहू, पूजा की थाली सज गई जी। अरे वाह इमरती,
फूलों की माला तो बड़ी सुंदर बना रही हो, शाबाश। छोटी बहू तुम पूजा की तैयारी भी देख लो। जी दादी माँ। इमरती तुम फूलों की माला पिरो, मैं भी आती हूँ। हाँ माँ जी। वो पंडित जी को तो बात नहीं हो पा रही है, लेकिन वो चाची जी का फोन आया था, कह रही थी कि परे परे छोरी परे, हम यहाँ आए हैं ई का मतलब इना है कि हमको तो से स्नेह हो गयो है। एक बात ध्यान से सुन ले छोरी, हम तोरी प्रेम जाल में फंसने वाले ना है। तू हमरे लिए कल मनहूस थी, आज भी है और हमेशा के लिए रहेगी। ए बुढ़िया, मनुष्य की तू, तेरी माँ, तेरा खानदान। और अभी तक मैंने जाल नहीं कोई फेंका है, जिस दिन जाल फेंकूंगी ना उस दिन तू रास्ता ढूंढती रह जाएगी। जा यहाँ से। इमरती कहती है कि जोर के मारा मोटी। राधिका जाके अम्मा का आशीर्वाद लो, अब तो उन्हें तुम्हारे कुल का पता चल गया है ना। हम तो आज अजब धर्म संकट में फंस गए, आशीर्वाद ना दे तो भी गलत होवेगो और दे तो भी हमरे मन के विरुद्ध होवेगो। खुश रहे, जीती रहे। इसे हम श्रीमंत संस्कार कहते हैं। वैसे तो ये गर्भावस्था के 4 महीने के बाद होता है, लेकिन 7 पीढ़ियों से हमारे राजपुरोहित खानदान में ये गर्भावस्था के पहले महीने में ही किया जाता है। धर्म के अनुसार इससे माँ और बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु मिलती है। देव रस्म शुरू करो। छोटी बहू को पहना दे। बेटा अब बड़ों का आशीर्वाद ले लो तुम दोनों। देखा बहुरिया कैसन सबका आशीर्वाद दे रही है मनुष, बड़ों की इज्जत करेगा ढोंग करे रही है, सबको अपनी जाल में फंसाए रखो है मनुष ने। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।